मोदी सरकार लगातार देश में तरक्की का दावा कर रही है, विकास की रफ्तार दुगनी करने का दम भर रही है, अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में ले जाने का भी दम भरा जा रहा है, लेकिन देश की जमीनी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है, हैरान और परेशान कर देने वाली है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में दुनिया में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में थी, तो दुनिया का हर तीसरा गरीब भारतीय था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में भारत की 30% आबादी की औसत रोजाना आमदनी 127 रुपए से भी कम थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा गरीब भारत में रहता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में 22.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी यानी कि गरीबी और साझा समृद्धि के नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। गरीबी रेखा से जीवन जीने को मजबूर सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। भारत के बाद नाइजीरिया का नंबर आता है। नाइजीरिया कुल 8.6 करोड़ आबादी वहां की गरीबी रेखा के नीचे है, जो रोजाना 126 रुपए से भी कम में गुजारा करते हैं। भारत में नाइजीरिया से 2.5 गुना ज्यादा गरीब है। तो गरीबी के आंकड़ों पर वर्ल्ड बैंक की साल 2013 की इस रिपोर्ट में कई और अहम जानकारियां भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी के खराब प्रदर्शन के बाद भी गरीबी के स्तर में कमी आई है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ऐसा भारत, चीन, इंडोनेशिया और दूसरे एशिया पैसिफिक कंट्रीज में हुए विकास की वजह से हुआ है। मौजूदा समय में दुनिया के सबसे ज्यादा अति गरीब लोग सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में रहते हैं। सब सहारा इलाके में हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, जबकि भारत में हर तीन में से एक शख्स गरीब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या एस्टिमेटेड यानी अनुमानित है। ये साल 2013 में किए गए हाउस होल्ड सर्वे पर आधारित नहीं है। इन आंकड़ों में बदलाव होता रहता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घर घर तक बिजली पहुंचने की वजह से भारत में हाउस होल्ड इनकम में इजाफा हुआ है। तो भारत में सालाना औसत आय 44,193 रुपए रही है, जबकि अमेरिका में सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है। अर्थशास्त्री अरविंद मोहन हमारे साथ हैं। अरविंद मोहन जी, मुकाबला तो हम विकसित देशों से करते हैं, मुकाबला तो हम यूएस से करते हैं, लेकिन लगता है आपको कि हमारे यहाँ जो स्थितियां हैं जमीनी स्तर पर वो बदल पाई हैं? देखिए, पहला सच ये है कि जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ये सब डेवलप हो चुके थे। अमरीका, जापान, इंग्लैंड, ये सब डेवलप कंट्रीज थे आज से 200 साल पहले। इंडिया ने डेवलपमेंट शुरू किया 1950 से, हमारी कहानी शुरू होती है, और इन 60-65 वर्षों में इंडिया ने जनरली बाकी कंपेरेबल देशों से अगर आप देखें तो हमने बहुत बेहतर किया है। ये पहला सच है जी। लेकिन साथ में दूसरा सच है कि 1970 में जब 1% की ग्रोथ होती थी देश में, तो 1% के सापेक्ष 1% ग्रोथ पर लगभग 0.44%, लगभग आधा परसेंट के नजदीक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, और एम्प्लॉयमेंट गरीबी से डायरेक्टली रिलेटेड है। बिल्कुल, ये स्थिति इस शताब्दी में आते आते, अगर आप पिछले एक दशक की बात करें, ये स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब स्थिति ये दिख रही है कि 1% ग्रोथ पर 0.1% का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बिल्कुल, इसी देश में जैसे जैसे हम विकास करते गए हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी, हमारी पॉवर्टी खत्म करने की कैपेसिटी लगातार घटती चली गई है। परिणाम बड़ा सिंपल है। परिणाम यह है कि आज हमारी जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ, ये ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ विदाउट पॉवर्टी रिडक्शन है, और फिर भी हम इसे ग्रोथ कहते हैं। बिल्कुल, हम इसको स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ ऑप्शंस भी कहते हैं। ये खाली डिब्बे हैं। हाँ। तो ग्रोथ हो सकता है, हम जिस देश में बिलियनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसकी जिंदगी को हम प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है। पूरा आमूल चूल परिवर्तन जब तक नहीं होगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारी ग्रोथ की स्ट्रेटजी नहीं बदलेगी, तब तक इस देश की ग्रोथ की जो नीड्स है, गरीबी उन्मूलन की जो आवश्यकता है, ये हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। हम आज भी इसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीजें हमें बताने के लिए। तो वाकई मुझे इस तरह से अर्थशास्त्री अरविंद मोहन
वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि गरीबी का सीधा संबंध रोजगार से होता है। बात अगर हम करें विकास की तरक्की की तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात हुई, लेकिन इसी के साथ वो जो रेशियो जो कम होना चाहिए था बेरोजगारी का, वो बढ़ता चला गया। यानी कि बेरोजगार लोग बढ़ते चले गए उस विकास की रफ्तार में। जितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ, जितनी पावर्टी कम होनी चाहिए वो नहीं हुई। और ऐसे में क्या वाकई में हम ऐसे हालातों में बाकी कंट्रीज से मुकाबला कर पाएंगे? तो जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि गरीबी का सीधा संबंध रोजगार से होता है, और भारत में रोजगार का क्या हाल है इसका खुलासा श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट से होता है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट की माने तो 2015-16 में देश में बेरोजगारी दर 5% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 8.7% की है, जो कि उच्चतम है, जबकि पुरुषों में बेरोजगारी दर 4.3% है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 77% परिवारों के पास कोई भी नियमित आय के साधन या वेतन भोगी व्यक्ति नहीं है। ये सर्वे 2015 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में किया गया था, और इस दौरान 1.6 लाख घरों में 7.8 लाख लोगों से बात की गई। सर्वे के दौरान पता चला कि 1/3 कामकाजी लोगों को पूरे साल काम नहीं मिला। 68% हाउस होल्ड की मंथली इनकम सिर्फ 10,000 रुपए रही। सर्वे ये भी कहता है कि शहरी एरिया में जॉब का स्तर अभी भी ग्रामीण एरिया के मुकाबले ज्यादा है। 82% शहर और 53% गांव के लोगों को जॉब मिली है।